नमस्कार, जूम की आवाज न्यूज चैनल में आपनु स्वागत छे। हवे जोईए आजना समाचार। नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा ना प्रणेता हरिहर आश्रम ना महंत परम पूज्य विजय महाराज तारीख 22/8/2022 श्रावण ना छेला सोमवार ना रोज नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा मा पूर्व तैयारी निमित्ते आजरोज डभोई खाते कावड़नी कारजीपूर्वक शणगार करता जोवा मळ्या। वधु महान पूज्य श्री विजय महाराज साथे चर्चा करता जाणवा मळ्युं कि तारीख 21/8/2022 ना रोज रात्रे 3:30 वाग्या दरमियान डभोई थी चाणोदमां नर्मदा नीरनुं पाणी लई सवारे 6:30 कलाके वडोदरा मुकामे पधारशे, ज्यांथी प्रथम सिद्धनाथ महादेव शिवलिंगने अभिषेक करी नवनाथनी कावड़ यात्रानो प्रारंभ करशे। हाला कावड़ यात्राने महत्व पूछता तेमणे जणाव्युं कि सृष्टि पर थनारा भूकंप, रोगचाळो, भूखमारी के पछी कुदरती आपत्ति आवे तेने दूर करवा माटे भाव अने श्रद्धापूर्वक आ नवनाथ कावड़ यात्रानुं आयोजन करवामां आवे छे, जेमां वडोदरा कार्यकरो श्रद्धापूर्वक साथ सहकार आपी रह्या छे। परंतु परम पूज्य विजय महाराज जणाव्युं हतुं कि नवनाथ महादेव कावड़ यात्रामां तमाम भावी भक्तो जोड़ाय तेवी पण अपील करी हती। ये कांवर यात्रा हम इस समय तैयारी कर रहे हैं बड़ौदा के नवनाथ के लिए। ये हरिहर आश्रम है, डभोई हरिहर आश्रम से निकलेंगे, 21 तारीख को रात में निकलेंगे और वहाँ से नर्मदा नीर लेकर के हम बड़ौदा जाएंगे। वहाँ बड़ौदा में जितना जिस जो जो इलाके में महादेव नवनाथ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ विश्वामित्र के हाथ से, वो सब इलाके में जाएंगे। वहाँ के सब कार्यकर्ता जैसे नीरज है, सुरेश हैं, राजेश आयरे है, जय है, जोशी है, ये सबका नाम भी हमको मालूम नहीं है। ये नवनाथ के जितना विश्वामित्र के हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो नौ मंदिर में हमको जाने का है। जिसका विस्तार है वो भी अपनी अपनी जवाबदारी निभाते हैं, वो लोग भी मान और सम्मान करते हैं। वो वहाँ के जितने लोग हैं सब भेगा होते हैं। वो हम पूरा नाम हमको नवनाथ का मालूम नहीं है, पर हम नवनाथ में 6 बरस निकाल चुके हैं, 2 बरस बंद रखे थे, फिर इस साल चालू किया। वहाँ के सब नाथ सब जात भेगा होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई नाथ वाला हो, कोई जाट वाला हो, हम सब लोग हमारे पास आते हैं, सब हमको सम्मान देते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, सब लोग हमारे साथ खड़े हो करके। हम तो ऐसा भी बोलते हैं, मुसलमान है तुम अपना निशानी टोपी लगा करके हमारे साथ खिंचाओ, हमको कुछ नहीं। हमारा तो महादेव का ऐसा रास्ता ही है कि इसमें कुछ देखा नहीं जाएगा, कौन नाथ है, कौन जात है और कौन धर्म है।